हेलो। हाँ नमस्कार सर, नमस्ते। और कैसे हैं? कौन? चांद मोहम्मद बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन के। अच्छा सर अच्छा अच्छा क्या हुआ उसका, उस समस्या का क्या हुआ, उस मैटर का आपको पता लग गया होगा, उसको ड्यूटी दे पता? दी है। नहीं, ड्यूटी दे दिए सर। बात ऐसी है, देखिए ये मामला जो है, आप जो सस्पेंड किए हैं सस्पेंड को उठा दीजिए और मेट को जो है उस पर कुछ एक्शन लीजिए। ड्यूटी भाई देना, मैं देखिए ये तो नहीं, ड्यूटी नहीं सर। एक मिनट श्रीमान, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का ये पॉलिटिक्स है ना कि आपने उनको ड्यूटी दे दिया और ड्यूटी देने के बाद वो ड्यूटी ज्वाइन कर ले, मन भटक जाए, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्ट में पार्टी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और जबकि मेट के वहां पे कुछ 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 भी एक्शन नहीं होगा उस पर। तो आप बचा नहीं रहे हैं होगा, इस तरह से? नहीं नहीं जी सुनो, मैं से भी ऐसा होगा। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, हम इस हमारा मतलब गलत करने का वो नहीं है इरादा कुछ भी। जी मैट को हमने हमको सब लोगों ने, आज भी मैं गया था वहां पर, तो जी आप तो गए थे अब स्टेशन से, स्टेशन से आपने रिटर्न आ गया, वो सारा एक्टिविटी हमारे पास था। आप गए थे वहां पे, है ना? आपने कर्मचारियों से बात नहीं किया, आपने कुछ दूरी में थे उसके बाद। तो हमारा यही कहना कि देखिए ये मामला हाईलाइट करना मतलब हमारे इंजीनियरिंग विभाग की बदनामी हो रही है, होती है। तो हमारा यही है कि जो कर्मचारी है उसको सस्पेंड जो है सस्पेंड उठा दें और उसको नौकरी करने दें। अभी आपने कहा कि ड्यूटी दे दिए, तो ड्यूटी देने से क्या कि ये मन हो जाएगा, उसके बाद जो ये 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्ट में पार्टी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जबकि मेट का कुछ नहीं होगा। तो आप नहीं मुझे नहीं विश्वास मैट दिलाइए, मैट बताइए, बोलिए। जी मैट 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 का मैट पर भी एक्शन होगा और ट्रांसफर वगैरह किसी का नहीं होगा, ठीक जी जी है। और देखो, काम में इंटरफियर करेंगे तो वो उनके लिए ठीक नहीं है। नहीं, काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सभी जो किया जाता है, ये इसीलिए कि भाई सभी लोग डिसिप्लिन में रह के रेलवे का काम करें, है जी एकदम। ना। किसी का हमारा बिल्कुल गलत इरादा नहीं है कि हम मैट को, आप उस दिन कह रहे थे संरक्षण दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैट के प्रति भी आज मैंने और लोगों से, काफी लोगों से बातचीत हुई, जी मैट का कुछ बिहेवियर जो है ठीक नहीं है। नहीं, उसका तो एक तो वीडियो भी हमने आपको प्रूफ में भेज दिया था ना। नहीं, वीडियो तो वो ऐसा है कि रात में सब दारू पीते हैं, हाँ नहीं ठीक है, है ना, सब तो सब वो हाँ मिलजुल के पीते हैं, और रात में पीते हैं, ड्यूटी पे नहीं है, तो उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। वो उसका जी जी प्राइवेट अपना रात का मामला है, जी उसमें उसमें सारे के सारे ट्रैकमैन भी हैं, मेट भी रहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि मेट का पक्ष करें और हम गलत डिसीजन लें। और दूसरा, कल हो सकता है हमारी एजेंसी साहब से बात हुई है, वो भी आएंगे, है जी ना। हाँ, ये तो मामला, ये तो और हम एजेंट साहब को भी संज्ञान में दिया गया है मामला, ये एजेंट साहब को भी दिया, सीओ साहब को हमने फोन लगाए थे, सर उनकी मदर का देहांत हो गया है ना, तो वो सर छुट्टी पे है, तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने मैसेज को बोले कि चांद जी आप मैसेज भेजिए इस ऐसे। हमने ठीक है सर, आप बहुत अच्छा, आप अपने घर पे रहिए अभी। तो मैसेज नहीं, हमें उनके लग भी रहा किसी ने फोन वोन करके शायद डिवीजन में डीआरएम साहब को, जीएम साहब को इन्फॉर्मेशन दी थी। नहीं, किसी ने नहीं किया, ये सिर्फ ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन इस मामले को देख रही है, इसलिए कि श्रीमान की ट्रैकमैन का मामला है, ये मामला ट्रैकमैन का है तो ट्रैकमैन यूनियन ही देखेगी। तो देखो, मैट भी ट्रैकमैन ही होता है, नहीं, वो मेट उसका होता है ग्रेड सर, अलग आप है। बताइए सर कि कहाँ से लिखा हुआ है कि हाथ छोड़ देना, आप ये मुझे बता दीजिए। नहीं आप तो अब्सेंट आपको करिए, आप उतना, अब्सेंट नहीं, करिए। आपको उतना नहीं पता कि उससे ज्यादा हाथ जो है इसने राकेश ने छोड़ा है। हाँ, देखिए फिर आप बोल रहे हैं राकेश ने छोड़ा है, आप प्रूफ हमको दिखा दीजिए ना सर। आप हमको हमको हम क्यों मेट को मारेंगे, हम क्यों मेट, हम भी ट्रैक में काम करते हैं, हम मेट को क्यों मारेंगे, किस लिए मारेंगे? वो मेट हमारा गार्जियन होता है, मेट को हम क्यों मारेंगे या मेट को अपशब्द भाषा का प्रयोग क्यों करेंगे? हाँ मैच को मारने लगा तो अब भाई, मैट को, मैट का मैट तो पागल तो है नहीं, मैट मैट ही क्यों मारेगा उसको।
मेट, अच्छा चलिए आपने कह रहा है मेट क्यों मारे, जब वो बंदा काम कर रहा था, जब उसके हमारे भी साथी जो काम नहीं करते उसको हम लोग हेल्प करते हैं कि भाई चलो जंगल कटेंगे, अगर वो भी देखिए सबसे बड़ा कि बॉडी जितना जिसका परमिट होगा उतना उतना काम करता है, तो अगर खंबा दिया जाता है अगर नहीं कटता है तो हम लोग उसको मदद करते हैं कि चलो भाई जल्दी से काटो और हम लोग चलेंगे, तो मेट ने वहां पे वो दोनों व्यक्ति को रोक दिया है। देखिए आप जो है इसकी एकदम अच्छा से जांच करिए, अच्छा से देखिए, ये मामला बहुत तूल पकड़ जा रहा है, समझिए आप एक गार्जियन है इसीलिए आपसे बात किया जा रहा है, आपके मामले इतने ये हो रहा है कि हमारा इंजीनियरिंग विभाग में जो है इस तरह से आए दिन क्यों हो रहा है। आपको इंजीनियरिंग चाहिए जी हाँ, तो इस तरह से हाँ बोलिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी, है ना जी, दोनों ने काम के चक्कर में दोनों ने एक दूसरे को मारा पीटा है जी, और हमारा कोई इंटेंशन नहीं है जी, कि हम मैट की तरफदारी कर रहे हैं जी। वो तो ठीक है सर, आपका बात कहना मैं 100% सही मांग रहा हूँ, मगर अभी तक का मेट का मनोबल बढ़ा हुआ है ना? नहीं नहीं मेट का मनोबल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, कल उसको एएन साहब ने बुलाया है जी। भाई मान लो आपको या किसी को ये लग रहा है कि मैट का मनोबल बढ़ रहा है जी, तो अब एएन साहब ने कल मैट को बुलाया है जी, और वो उसको और उसकी इंक्वायरी करेंगे जी, राकेश की जी, और उसको जो है राकेश को रिवोक कर दिया है, कल से वो अपनी ड्यूटी करेगा जी। हमारा यही रेल प्रशासन से यही है कि उच्च स्तरीय जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो। बिल्कुल हम भी ये चाहते हैं जी जी, तो ये वो भी एजेंट साहब आ रहे हैं जी, है ना, और उसको बता दिया, उसको उसके रिवोकेशन की उसको सूचना दे दी है राकेश को, वो बिना किसी परेशानी के अपनी ड्यूटी करे, कोई परेशानी वाली बात या उसे न, तो ये स्पष्ट है कि अगर अगर ये बात है सर कि अगर मान लीजिए निर्दोष को अगर किसी भी प्रकार से, ये इंजीनियरिंग विभाग का आपको भी भली भांति मालूम है, आप सीट में बैठे हैं कि ट्रैक मेंटेनर का अगर कुछ भी गलती हो जाता है तो उसे एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्ट में स्थानांतरण कर दिया जाता है, मगर आज कोई अधिकारी अगर कुछ कर ले या ऑफिस का बाबू कुछ गलती कर ले तो उसका किसी भी प्रकार का कोई पनिशमेंट नहीं होता है, ये भली भांति मैं जानता हूँ 26 साल के एक्सपीरियंस में। तुरंत ट्रैक में अगर कुछ करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्ट में गैंग ट्रांसफर या दूसरा एडीएन में ट्रांसफर हो जाता है, तो ये 100% होगा। आप बोल रहे हैं हम विश्वास दिला रहे हैं, मगर एएन महोदय अगर आदेश जारी कर दें तो आप तो इसको काट नहीं सकिएगा, तो वो तो जांच होगी ना। हाँ वो, हाँ वो जांच होगी, अगर जांच निष्पक्ष होगी उसमें देखा जाएगा जी किसकी कितनी गलती है, कौन किस तरह का मतलब किसका बिहेवियर है जी, और कैसे जो डिस्प्यूट हुआ है उसका निपटारा हो सकता है। हाँ वही निपटारा हो सकता है कि अगर मान लीजिए एक के चलते पूरा गैंग को डिस्टर्ब हो रहा है, तो अगर मेट को हम इधर से उधर कर दे तो पूरा गैंग सही संतुलन में हो जाएगा और रेल का जो है अच्छा से प्रोग्रेस होगा, और अगर दोनों एक ही जगह रहे या पूरा गैंग एक ही जगह रहे तो ये कभी मतलब डिस्प्यूट होते ही रहेगा, इसलिए कि मेट जो है बात बात में जो है बदले की भावना से उस पर अटैकिंग करते रहेगा, चाहे किसी को भी करते रहेगा। और हम आप मेट क्या वो क्या करते हैं, नहीं आपको ये भी मैं बता, हालांकि एजन साहब को बोल दिए हूँ, आपको ही बोल रहे हैं कि ये निष्पक्ष जाँच हो और मतलब अच्छी से जाँच हो और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई से ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन संतुष्ट रहता है तो ठीक है, अन्यथा इस मामले को लेकर लेबर कमिश्नर में जाने के लिए बाध्य हो जाएगा। नहीं वो तो भाई कुछ कोई आपको रोक तो सकता नहीं जी, हाँ है ना, इसलिए कि आप गार्जियन है, इसलिए आप लोग का जांच जानना हो हाँ, या कुछ भी करना हो जी, कोई हाँ, रोक थोड़ी पाएगा। हाँ नहीं अगर जांच चाहिए उस जांच से हमको संतुष्टि हो रहा है कि हमारे एएन महोदय और पीडब्ल्यू महोदय ने अच्छा जांच किया और जो भी दोषी है, ये किसी पक्षपात नहीं, जो भी दोषी उस पर कार्रवाई उचित कार्रवाई हो तो इसे संयोज हो जाएगा तो ये ठीक है, अन्यथा फिर ये मामला जो है फिर न्यायालय में बाध्य हो जाएगा जाने के लिए, इसलिए कि ऐसा होता है सर, ऐसा होता है सर, मैं बता रहा हूँ कि ट्रैक मेंटेनर को आप भी जानते हैं कि कुछ भी दोषी हल्का भी दोषी हो तुरंत उसे जो है चार्जशीट देके एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्ट से ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये तो आपको भी भली भांति मालूम है। आप
नहीं नहीं आप कहीं भी इस तरह के जो ये ट्रैकमैन है जी, इनको नहीं समझाते हो ये इतना लड़ाई झगड़ा और मारपीट करते हैं? देखिए आपको सर, हम लोग अभी जस्ट महीना भर हुआ दादरी में मारपीट किया था पीडब्ल्यूआई से। नहीं आपको ये किया था, आपको बता रहे सर कि इंडियन रेलवे में अगर सबसे ज्यादा ट्रैक मेंटेनर अपने काम करते हुए शहीद होते हैं वो ट्रैक मेंटेनर होते हैं। इसका कारण ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्ट से प्रताड़ित होकर ये ट्रैक मेंटेनर शहीद होते हैं। इतना प्रेशर होता है इनके ऊपर, इतना प्रेशर दिया जाता है कि वो जो है काम करते हुए शहीद हो जाते हैं। पीडब्ल्यूआईओं को भी देखा होगा कितने? नहीं 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 आप बताइए ना, आप खुद देख रहे हैं कि एक महीना में कम से कम जिस दिन पूरा देश 15 अगस्त को अमृत महोत्सव मना रहा है उस दिन दो ट्रैक मेंटेनर शहीद हो गए, ये आपको भी मालूम होगा। अब देखो उसमें तो बहुत सारे कारण रहते हैं। हाँ उसका, क्योंकि मैं इनके साथ में डायरेक्ट रहा हूँ जी, और उसमें रेल का मतलब कार्य करने की पद्धति और वो क्या नाम है सिस्टम ऐसा है कि उसमें क्या नाम है एक्सीडेंट में आ जाते हैं जी। काम करते हैं, अब एक एक दोनों लाइनों पर गाड़ी आ जाती है, गाड़ी की आवाज नहीं सुन पाते हैं। वही बात है सर, हमारा वही कहना है कि आज हमारे ट्रैक मेंटेनर इतना शोषित है और अपमानित होते हैं और इतना मतलब ये मानसिक उनको प्रताड़ित किया जाता है कि वो काम करते हुए शहीद हो रहे हैं। नहीं नहीं वो प्रताड़ित वाली बात इसमें नहीं है। अब मान लीजिए राकेश को, मान लीजिए राकेश को मान लीजिए, होने से कोई शहीद नहीं हो रहा है, समझ लो। नहीं सिंगल आदमी भी प्रताड़ित होने से शहीद नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ या तो मोबाइल से बात करते हुए ओके में आ जाते हैं, या लाइन पे मशीन चल रही है, मशीनों की आवाज के चक्कर में आ जाते हैं। हमारा यही कहना कि जो ट्रैक मेंटेनर की सुरक्षा है, रक्षक डिवाइजर जो है, रक्षक डिवाइजर उसको उपलब्ध कराया जाए ताकि ट्रैक मेंटेनर, अगर ट्रैकमैन सुरक्षित है तो आप सुरक्षित है, आप सुरक्षित है तो रेलवे ट्रैक सुरक्षित है, सारा चीज सुरक्षित है। भले एक ट्रैक मेंटेनर आपके लिए वो एक कर्मचारी होगा मगर उनके परिवार के लिए वो पूरा जिंदगी है। अब मान लीजिए हम लोग सुबह ड्यूटी से जाते हैं, अब घर वापस आए या नहीं आए ये परिवार वाले आस लगा के बैठते हैं, इसलिए कि ट्रैक मेंटेनर का ऐसा होता है एक्सीडेंट कि नहीं पहचाना जाता है कि बबलू है कि श्याम है कि मोहम्मद है या क्या है, इस तरह का उनका छिन्नभिन्न हो जाता है। तो ये सिर्फ जो है प्रताड़ित का मामला आता है जाने। तो आप मान लीजिए आप मान लीजिए आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि प्रताड़ित होने से उनका वो हो जाता है। आज आपको मालूम होगा कि समझिए, आप मान लीजिए आप जो ये जांच होगी दोषी नहीं है, निर्दोष है, अगर ये किसी प्रकार का कोई एक्शन लेते हैं मैं किसी भी अनहोनी घटना का, तो इसका जिम्मेदार फिर कौन हो जाएगा बताइए? तो बात वही है, यहाँ बात समझिए ये है, मामला उच्च स्तरीय जांच हो, आप भी उसमें सहयोग करिए और ट्रैकमैन भी सहयोग करेगा। ट्रैकमैन काम करने के लिए आया है अपने उसने हजार हजार मील से, ना कि रेल प्रशासन को किसी प्रकार से कोई नुकसान करने के लिए। और देखो ये प्रॉब्लम बता दें आपको, बोलिए बोलिए, पूरे खुर्जा सेक्शन में चोला स्टेशन पर ही है जी, तो ऐसा क्यों है? अब आपको मैं एक बात बता दूं अंदर की बात कि पूरे इंडियन रेलवे की ट्रैक मेंटेनर यूनियन की नजर चोला स्टेशन पर हो गई है, पूरे हर जगह हमारे राष्ट्रीय लेवल की तो हो ही जाती है। हाँ, ये मतलब पूरे ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन के पदाधिकारी का पूरा नजर चोला पर है कि अभी प्रशासन क्या कर रही है, अभी आगे एक्सीबिशन क्या होगा। आप आज गए एडमिनिस्ट्रेशन के पास, आप वहां पे नहीं गए, कुछ दूरी में थे, उसके बाद आपने किसी से पूछा, उसके बाद आपने तुरंत रिटर्न बैक हो गया, तो पूरा इंडियन रेलवे का जो बिंदु केंद्र है अभी चोला स्टेशन हो गया है। तो वो तो हो गई जी, जब कहीं कोई बात होती है तो वहीं सबका केंद्र होता है। इसलिए हाँ, इसलिए कि सर कि अभी उनको इतना समझाया गया ड्यूटी ले लो, आपने भी एएन साहब को कहा था कि भाई काम करो, क्यों बैठे हो जी, उन्होंने किसी का कहना माना, आपका नहीं, भी नहीं, कहना नहीं माना। नहीं, नहीं, सबसे पहले उनका जो सस्पेंडिंग हुआ उसको सस्पेंडिंग को आप उठा दिया जाए ना, वो तो आज रिमूव कर रहे हैं ना, सस्पेंड को आज रिमूव किए हैं, सस्पेंड को आज नहीं आपने रिमूव किया। नहीं नहीं बाकी आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, आप किसी आदमी ने ड्यूटी करी? नहीं आप देखिए परिवार क्यों हो रहा है वहाँ पे, एक दो लोग और हैं ऐसे इस तरह से। देखिए आपको बता दे रहे श्रीमान अंदर की बात की, आज आपने चोला देख रहे ना, कल हो सके अगर इस मैटर को रेल प्रशासन सही से नहीं ये करता है तो पूरा ये इंडियन रेलवे में इस प्रकार की ये मतलब हो जाएगी।
चाहे वो बिल्ला लगा के स्ट्राइक करे, चाहे किसी भी प्रकार से करे, मगर ये पूरा इंडियन रेलवे में ये आग लग जाएगी। इसलिए आप चोला स्टेशन को ही मत देखिए, इसलिए कि भारत के ट्रैक मेंटेनर अब पहले की तरह नहीं है। पहले ट्रैकमैन को कोई देखने वाला नहीं रहता था, सिर्फ चंदा लेते थे, कुर्सी बिछवाते थे, अब जय जयकारा कराते थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। और ट्रैकमैन को उनके बदले में इन्होंने क्या दिया, हाफ पैंट था हाफ पैंट से फुल पैंट दिया, गंजी था गंजी से शर्ट दिया। नाम का परिवर्तन हुआ है मगर उसका भविष्य का परिवर्तन नहीं हुआ है, ये आपको भी मालूम है। तब आज मजबूरन हो के ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन बनाना पड़ा अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत। तो उसमें तो सर कोई बात नहीं है, वो तो सबके बने हुए हैं जी। और उनका जो भी बेहतर है भाई, देखो हम तो इसमें कोई वो कर नहीं सकते कि इनका कोई बहुत बड़ा वो कर दें, उपकार कर दें, हमारे पास इतनी पावर है, वो तो रेलवे जो प्रशासन है वही कर सकता है। हाँ वो तो रेल प्रशासन है, रेल प्रशासन जो है इनको देखा जाए तो अब बहुत बहुत काफी कुछ इनको सुविधाएं मिली हुई हैं। नहीं तो वो तो सुविधाएं सर, माननीय श्री रेलवे बोर्ड अध्यक्ष अश्वनी लोहानी जी का जो ये कहले कि जो ट्रैक मेंटेनर को जो है आज जो है मान और सम्मान मिला है। पहले ट्रैक मेंटेनर का जो है रन ओवर होते थे, शहीद होते थे, कोई पूछता नहीं था, हम लोग खुद उनका चौकीदारी करते थे, उनका छीन भिन होता। आज तो ट्रैकमैन का इतना है कि कम से कम तिरंगा लगा के मान सम्मान के साथ बक्सा में करके उनके पैतृक गांव पहुंचाया जाता है। हाँ नहीं होना भी चाहिए जी, होना भी चाहिए इसमें। समझिए तो ये पहचान जो है समझिए यही है जी। हाँ बहुत बहुत दिनों से नेगलेक्ट थे वो जी, मतलब गलत थी जी भाई। ये तो जिसके ऊपर घटना घटित होती है, जिसके परिवार के ऊपर होती है, उसी को महसूस होता है जी। तो इस तरह का हुआ है ये बहुत अच्छा है जी, क्योंकि जो जो आदमी रेल की सेवा करे, जो ज्यादा काम करे, उसका ध्यान रखना पड़ेगा और उसका ध्यान रखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रखा जाएगा। दूसरा उनका परिवार है। दूसरा ट्रेन मूवमेंट करने के लिए भाई सबसे ज्यादा हेल्प और योगदान ट्रैकमैन का, वो तो है सर। इंडियन का भाषा है, रेलवे की भाषा है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। ट्रैक मेंटेनर रीढ़ की हड्डी है, उनके छाती पे गाड़ी चलता, मगर उस बैकबोन को देखने वाला कोई नहीं है, उस ट्रैकमैन को देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब ये बताओ, उसको मूवमेंट को चलाने के लिए, उसको करने के लिए तो क्या नाम है, उसमें भी तो डिस्टरबेंस जो है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो चल कैसे पाएगा। हाँ वो नहीं चल पाएगा, जब तक कम्युनिकेशन सही दोनों से नहीं मिलेगा वो चल नहीं पाएगा। तो कम्युनिकेशन यहाँ मिलने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज करे, अगर 10 आदमी को खुश करना है, 10 आदमी से कार रहना है, तो एक मेट को कम से कम ये करे। जबकि वो मेट से नाराजगी, और आपको भी भली भांति मालूम है, अगर कुछ भी होता है तो वो मेट जो है, या हम ही रहे मेट, तो बदले की भावना से काम करेंगे। 5 मिनट लेट आया, अब्सेंट कर दे, फिर वो क्रोध पैदा हो जाएगा। 2 मिनट पहले चल गया, फिर वो अब्सेंट हो जाएगा, तो वो क्रोध बने रहेगा। आज तक का रिकॉर्ड है कि इस तरह का एक भी बार नहीं हुआ है जी। अभी एक एक गया था आदमी 10 दिन की छुट्टी लेके, उसका बच्चा बीमार था, फिर उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि इसका बच्चा बहुत सीरियस है और लास्ट में वो खत्म भी हो गया। तो वो भी हमने 15 दिन की और नहीं, वो ठीक है आपके तरफ से जो होना ये सही बात है, मगर जो मीटर अभी जो है, जो ये विषय जो पूरे अभी भारत में गरमाया हुआ है, अब हो सके इसके खिलाफ में ट्विटर अभियान भी चले, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ट्विटर अभियान भी चलेगा। अगर इस प्रकार से अगर रेल प्रशासन की रवैया रहे अगर हमारे ट्रैकमैनों के ऊपर, तो वो काम का ना, कल हो सके वो टेंशन में अगर ड्यूटी कर रहा है, भगवान ना करे ना हो, अगर कुछ हादसा ही हो गया तो घर का चिराग तो बुझ जाएगा, वो इतना डिप्रेशन में आ जाए। तो इस तरह का अगर कोई ड्यूटी कर रहा है या किसी प्रकार से कोई घटना हो जाए, तो इसका जिम्मेदार तो क्या होगा, रेल प्रशासन का तो एक तो कर्मचारी जाएगा, मगर उसके परिवार का तो पूरा जिंदगी उखड़ जाएगा। नहीं ये बताओ, इतने इतने से क्या PWIO को चार्जशीट ट्रांसफर सस्पेंड नहीं होते हैं? नहीं ना, PWI की बात है, PWI होते हैं तो प्रॉपर चैनल है, सबके सिस्टम है, एकदम होते हैं PWI सस्पेंड। मगर इंडियन रेलवे में अगर सबसे ज्यादा सभी विभाग में सबसे ज्यादा अगर शहीद होते हैं वो है ट्रैक मेंटेनर, ये तो बात आपको तो मानना होगा। हाँ हाँ तो वो उसका भी मतलब ज्यादा संख्या में होते हैं वो कारण है ना जी,
कि भाई वो डायरेक्ट उसमें क्या नाम है लाइन पर काम करते हैं डायरेक्ट, वही बात है ना। आज मान लीजिए आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ के अंदर ही काम करना, यहाँ तक कि सेफ्टी से भी खिलवाड़ किया जाता है। अगर जो सेफ्टी के अनुसार जो ट्रेनिंग दिया जाता है कि छह खंभा में ये झंडा रहना, मगर ये भी इसको जो है अनदेखी करके ही ट्रक मैनों के साथ काम कराया जाता है, समझिए। तो बहुत तरह का ये है, समझिए, बहुत प्रकार का ये है मामला, ये गंभीर है। तभी हम लोग काम करते हैं ना जी, पर एक ट्रॉली मैन को ट्रेन देखने के लिए लगाते हैं, ऊपर रखते हैं, लुकआउट का कॉशन लगाया जाता है। हाँ, वो तो कॉशन ऑर्डर आपको देना पड़ेगा, वो आपको बैनर फ्लैग लगाना ही पड़ेगा, वार्नर भेजना ही पड़ेगा, सेफ्टी तो है ही है, सेफ्टी करना ही पड़ेगा। हाँ, बगैर सेफ्टी से तो काम नहीं करते हैं, लेकिन कोई आदमी जब तब किसी भी तरह से आ जाते हैं चक्कर में, और उसमें यही नहीं आते। पीडब्ल्यूआई के आपने कितने केस सुने होंगे, पीडब्ल्यूआई की भी कैसे, पीडब्ल्यूआई एकदम एकदम एकदम, ये भी आपको हम ये नहीं कर रहे, पीडब्ल्यूआई भी होते हैं, ये आपके पीडब्ल्यूआई भी होते हैं, वो भी हमारे परिवार है, वो भी हमारे गार्जियन है, उसके भी हमको बहुत दुखद होती है ये घटना की। मगर आज देश में जो देश के बॉर्डर पर हमारे सेना देश की सुरक्षा करते हैं वो शहीद होते, उससे कहीं ज्यादा हमारे ट्रैक मेंटेनर रेलवे ट्रैक को सुरक्षा करते हुए शहीद हो जा रहे हैं। एक एक दिन, एक दिन में आपको मैं बता रहा हूं चार चार ट्रैक मेंटेनर शहीद हुए हैं, चार चार जी। हाँ, वो कहीं कहीं जो इकट्ठे इकट्ठे काम करते हैं मशीनों के साथ जी, यहाँ तक कि अभी तो ट्रेन मूवमेंट भी तो 130 का स्पीड का हो गया है, मगर सबका तो डेवलपमेंट हुआ है, मगर ट्रैक मेंटेनर के सुरक्षा को लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ अभी तक का। अब वो तो हाई लेवल की, हाँ नहीं हाई लेवल की है, मगर नीचे लेवल की आप लोगों के अंदर में भी है कि भाई जब भी थोड़ा से भी ब्लॉक ले या कोई भी वैसा काम हो तो सेफ्टी लगा के रखे, जाम झंडा लगाए, वार्नर लगाए। अगर कोई आदमी अगर कीमेन कर रहा है तो उसको लुक आफ्टर मैन या तो कीमेन का प्रावधान करना चाहिए, ये तरह का लोकलिटी होता है। देखो मैंने ना, मेरा मेरी नौकरी हो गई 35 साल, अच्छा एक साल बचा हुआ है, अच्छा अच्छा है ना जी। तो मैंने अपने सामने इतना देखा हुआ है जी, जीएम इंस्पेक्शन वाले दिन दो ट्रैकमैन नहीं ब्लैक स्मिथ और हेल्पर था रन ओवर हुए थे जी जी। तो वो क्यों रन ओवर हो गए जी, वो वास्तव में ठीक से काम कर रहे थे जी, लेकिन वो उल्टा मुंह करके बैठे हुए थे जी, पीछे से गाड़ी आ गई और बगल वाली लाइन पे भी गाड़ी आ गई, तो उसकी आवाज में सुन नहीं पाए, उसकी आवाज में वो सायरन सुन नहीं सके। बस होता है, एक बार पेंटर अपना काम कर रहा था जी, क्योंकि पेंटर अकेला था तो वो रन ओवर हो गया जी। तो मैंने दसियों केस देख रखे हैं इस तरह के, और किस टाइप की गलती हो जाती है वो। तो मैं अपने ट्रैक मैन को यहाँ पे सेक्शन में अकेले के लिए मैंने मना कर दिया, कोई अकेला नहीं काम करेगा, और सबसे ज्यादा जो है हमारा अकेला नहीं जाएगा। मैंने कहा साथ लेके जाओ एक आदमी को जी, और अकेला जाएगा तो वो स्पेस पर काम करे, लाइन के ऊपर नहीं काम करे। बात तो वही है श्रीमान, बात वही है कि अभी क्या है आपका ऐसा कि जो 2800 है, जो 24 से जो कीमेन होते हैं वो अगर नहीं करके 1800 और 1900 वाले को कीमेन करवाते हैं, जबकि वो एकदम नया बंदा रहता है, वो नया बंदा जो 2800 ग्रेड पे है, जो एजिलेबल है कीमेन के लिए, वो कीमेन नहीं करे, वो रेलवे के कहीं इधर उधर लगे हुए हैं। तो ज्यादातर के जो कर्मचारी हमारे शहीद हो रहे हैं वो 1800 वाले हो रहे हैं, 1900 वाले कर्मचारी जो है जिनको कुछ नहीं मालूम है वो कीमेन में चले जा रहे हैं, वो गाड़ी का मूवमेंट सही से नहीं है, वैसे कर्मचारी हमारे जो है शहीद हो रहे हैं। हाँ, कुल मिला के वो ये जो थोड़ा नॉलेज कम है जी, नॉलेज कम है, वैसे लोगों को शहीद हो रहे हैं, तो बहुत सारा समस्या है। मैं तो सुबह डेली जब इनको गैंग को सबको प्रोग्राम देता हूँ सुबह काम का, तो सबको एक बार जरूर बताता हूँ कि कोई अकेला नहीं जाएगा, साथ में अपना दो आदमी मिलके काम करिए, और अकेला है कोई जरूरी काम है तो सेट पर जाइए। एक बात तो लाइन से बाहर के भी बहुत सारे काम होते हैं, उनको अकेले कर सकते हो जी। एक बात तो सर ये 100% है कि आज ट्रैक मेंटेनर के सुरक्षा के नाम पर जो है जीरो है, जबकि ट्रैक मेंटेनर को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उनके छाती पर ट्रेन चलाया जाता है, जबकि यहाँ तक कि ऐसा होता है कि दूसरे एक मिनट मेरे दो तीन
आपके बता रहा हूँ कि दूसरे डिपार्ट के अधिकारी भी हमारे ट्रैक मेंटेनर को यूज करते हैं। जब ब्लॉक होता है तो बॉन्डिंग जो खोला जाता है वो सिग्नल डिपार्टमेंट का काम है, मगर हमारे PWI महोदय के द्वारा जो है वो ट्रैक मैनों से बॉन्डिंग काम खुलवाए जाते हैं। तो बहुत तरह से मतलब सिस्टमेटिक होता है, समझिए हर जगह ट्रैकमैन को शोषित हो रहे हैं, ये भी बात होती है। वो तो ऐसा है ना, जैसे ये सब काम है ना, QRS हुआ, हाँ वही बात है, ये सब भी काम हमारे ट्रैक मैनों से कराया जाता है। अब मान लीजिए कहीं पेड़ गिर गया, तो पेड़ गिर गया तो वो तो IOW डिपार्टमेंट का काम है, मगर ये ट्रैक मैनों से है, पेड़ कटवाया जाता है। जहाँ भी कमी हुआ तो फलाना को, तो ठीक है दो ट्रैक मैन वहाँ चले जाए, तो ये ऊपर लेवल का जो बात है, मगर नीचे लेवल में ट्रैक मैनों को जो है कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का उनको सुरक्षा नहीं प्रदान किया जाता है, और उनके भविष्य के साथ, उनके सुरक्षा के साथ जो है खिलवाड़ किया जाता है प्रशासन के द्वारा। खिलवाड़ कुछ नहीं है, अब तो क्या नाम है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी का मतलब शोषण हो रहा है या कुछ हो रहा है, वर्कलोड बहुत कम हो गया है सारा। अब मान लीजिए पेट्रोल मैन लोग के लिए GPRS दिया गया, ठीक है आपने GPRS दिया कि हमारा ट्रैकमैन पेट्रोलमैन ट्रैक पर है या नहीं, मगर आपने ट्रैक मेंटेनर के लिए रक्षक डिवाइजर का उपलब्ध क्यों नहीं करवाया अभी तक का? कि जाके गाड़ी का सायरन हो तो वो पेट्रोलमैन को या वो नाइट पेट्रोलमैन या की मैन को उसको उसकी आवाज सुन सके, वो उनकी आवाज से वो सेफ्टी से सट से हट सके। ये सब रक्षक डिवाइस और ये तो आप जो है मतलब जो है मेरे तो अब मैं नहीं मैं आपको आज 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 बता रहे हैं, आज हमारी ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमैन यूनियन रेलवे बोर्ड में बात हुई है ना, उसका फोटो आपको भेज दूंगा। रक्षक डिवाइजर जो है 19.1 करोड़ रुपया सेंक्शन हो गया है, बहुत जल्द जो है रक्षक डिवाइजर को है मिलेगी सारे लोगों को, मिल जाके बहुत अच्छा है जी। बेमतलब कि हमारा इतना लॉस होता है मैन पावर का जी, और उनका अपना परिवार क्या नाम है, परिवार से ये हो जाते हैं, समझिए। तो ये तरह का है, बहुत तरह की बात है। पहली बात क्या है कि सर कि ट्रैकमैन को कोई सुनने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। सबसे ज्यादा अगर चंदा किसी अन्य मान्यता प्राप्त को जाता था तो वो इंजीनियरिंग विभाग से जाता था, और हमारे खुद बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है जी, और खुद हमारे PWI श्रीमान और सेक्शनल PWI श्रीमान अध्यक्ष और ब्रांच सिक्योरिटी बन के बैठे रहते हैं सिर्फ अपना ट्रांसफर को बचाने के लिए, और वो ट्रैकमैनों से चंदा ले लेके जो है वो अपने को दिलवाते हैं। और ट्रैकमैन आखिर हम चंदा देंगे तो ग्रीवांस किसको सुनाएंगे? आपको तो नहीं जाएंगे, आप तो खुद वहाँ के ब्रांच सिक्योरिटी बने हुए हैं। तो बहुत सारा मामला है, इसीलिए देखते हुए जी, तो इस तरह का मामला है, इसीलिए इस पर थोड़ा सा गंभीरता लीजिए ताकि ये मामला ज्यादा हाईलाइट नहीं हो और ये ट्विटर के माध्यम से फिर ये नहीं आप भी देखो उनको समझाना, लोगों को समझाना, हम भी नहीं आप भी एकदम समझाइए, और आप एडमिनिस्ट्रेशन जी है कि जो भी दोषी हो, हम लोग ये नहीं बोले, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो, और जो है ट्रांसफर किसी का ना हो। ट्रांसफर से क्या है कि मनोबल टूट जाता है, मनोबल टूट जाने के बाद वही ट्रैक में जो है कुछ दिन के बाद जो है किसी कारणवश जो है उनका दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो बर्दाश्त करने नहीं सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि फिर आपका भी एक परिवार कुछ भगवान ना करे, ठीक है ना। चलिए ठीक है सर, इस मामला को आप देखिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा जी। ओके सर, ओके ठीक है।